प्रदेश में सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अलग अलग मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव मंगलवार और बुधवार को तेलंगाना दौरे पर हैं और इस दौरे से नए मोर्चा की तैयारी भी है। ऐसे में अखिलेश यादव पर भाजपा ने वार किया है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव असफल नेतृत्व में ऐसे प्रतीक हैं जो दर दर भटक रहे हैं, जो कभी ममता के पास जाते हैं तो कभी राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव फिर से अपनी नाकामियों को दोहराएंगे। अखिलेश यादव जी असफल नेतृत्व के एक ऐसे प्रतीक है जो नव नेतृत्व की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे वो कभी ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हैं, कभी उसके बाद दूसरे दर पर पहुंचते हैं, वो चंद्रशेखर राव के पास पहुंचते हैं, वो राहुल गांधी को भी अपनी शुभेच्छाएं समर्पित करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेतृत्व जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, किसी दूसरे के पीछे बार बार जाने के आधार पर वो उत्तर प्रदेश को कोई दिशा दे पाएगा। अखिलेश जी अपनी नाकामी के इतिहास को एक बार फिर से दोहराएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी प्रवक्ता ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी हताशा का प्रचार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कदम जिस तरह बड़े हैं उस तरफ सफलता ही सफलता मिली है। और निश्चित रूप से तेलंगाना हो, बंगाल हो या फिर बिहार हो, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे वहां एक मजबूत अलायंस बनाने का काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तेलंगाना दौरे को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा का प्रचारक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के कदम जिस तरफ बढ़े हैं उस तरफ सफलता ही सफलता मिलती रही है। और निश्चित रूप से तेलंगाना हो, बंगाल हो, बिहार हो, जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे वहाँ एक मजबूत अलायंस बनने का काम होगा और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम भी देश के अंदर भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में होगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी सियासी रणनीति को लेकर सक्रिय हैं। अखिलेश यादव ने केंद्र में थर्ड फ्रंट के साथ आगे बढ़ने के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अखिलेश दो दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बड़ी रैली में शामिल होंगे।